सीकर के दातारामगढ़ में नजर आया लॉकडाउन का असर। पुलिस करवा रही है लॉकडाउन के निर्देशों की सख्ती से पालना। बेवजह बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। पिछले 24 घंटे में पुलिस ने दर्जनों वाहन भी जब्त किए हैं। पुलिस पूरे इलाके में लगातार गश्त कर रही है। लॉकडाउन को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी बाहर अनावश्यक घूम रहे हैं उन पर पुलिस कार्रवाई करे, और इसी क्रम में दातारामगढ़ पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए क्षेत्र में बराबर गश्त कर रही है। इसके अलावा पुलिस द्वारा यहां जो बेफिजूल बाहर लोग अनावश्यक घूम रहे हैं, गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है, वाहनों को जब्त किया जा रहा है। आज हम दातारामगढ़ थाना अधिकारी लाल सिंह जी यादव से जानेंगे कि उन्होंने क्षेत्र में इनकी पालना कराने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी। सरकार द्वारा आदेशित किए गए लॉकडाउन की पालना में कल से लेकर छोटी और बड़ी तकरीबन 20-25 गाड़ियों को जब्त किया गया है। जो लोग अकारण ही इधर उधर घूम रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और अब जो लोग बाहर से आ रहे हैं जिनके बारे में जानकारी मिल रही है उनका तुरंत ही चेकअप करवाया जा रहा है और उनको घर में ही रहने के लिए पाबंद किया जा रहा है। अच्छा सर, इसमें जो बाहर मार्केट में सुनने को आ रहे हैं कि जो दुकानें हैं उनमें टाइमली मतलब दुकानें खोलने नहीं दिया जा रहा है, शिकायत होने के पुलिस द्वारा बंद करवाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो अनिवार्य सेवाओं की दुकानें हैं, सब्जी हैं, राशन की हैं, उनको बंद नहीं करवाया जा रहा है। उनको यही इसी चीज़ के लिए पाबंद किया जा रहा है कि वो एक सिस्टमेटिक तरीके से लोगों का फासला मेंटेन करते हुए सामान वितरित करेंगे। और मैं आसपास के लोगों से और सभी कस्बेवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि वो सरकार द्वारा जारी की गाइडलाइन का पालन करें और सुरक्षित रहें। दातारामगढ़ में जो सुरक्षा के इंतजाम है, निर्देशों का पालन के लिए जो व्यवस्थाएं कर रखी है, पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है, जगह जगह पुलिस तैनात है, और जो भी दातारामगढ़ के जो बॉर्डर लगते हैं, जिला बॉर्डर लगते हैं, उन पे पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है। आने जाने वाले सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है, जो बेफिजूल घूम रहे हैं उनको जब्त किया जा रहा है। A1 TV के लिए गिरधारी।